नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ कंसल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल का आज शहडोल आगमन हुआ। विधानसभा की खाली हुई सीटों पर हो रहे उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आए राजमणि ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पटेल ने कहा कि आमजन के विश्वास को इन नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए तोड़ा है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश में विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बात की। अनूपपुर जिले की अनूपपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को मजबूती दिलाने को लेकर आए राजमणि पटेल ने कांग्रेस से भाजपा में गए नेताओं पर जमकर निशाना साधा। पटेल ने कहा कि ये चुनाव विषम परिस्थितियों में हो रहा है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए जनता का विश्वास तोड़ा है। गरीब किसानों का विरोध करने वाले और पूंजीपतियों का समर्थन करने वाली सरकार के बहकावे में आकर जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा उनके कारण ये स्थिति आई है। पटेल के साथ जिलाध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से, राज्यसभा की हैसियत से, पार्टी ने भी जो जिम्मेदारी दी है कि पार्टी को कैसे मजबूत बनाया जाए और वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का, 24 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, अनूपपुर में भी चुनाव हो रहा है, तो इसके बीच में जा कर के जो है कार्यकर्ताओं की राय लेना, जनता की राय लेना कि आगे किस तरह से इस लड़ाई को हमें लड़ना है। इस संबंध में आए यहाँ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन हैं, जिनके साथ हम सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं और इसके बाद अनूपपुर जाएंगे, वहाँ विचार विमर्श करेंगे। आज जो 24 सीटों का चुनाव हो रहा है, बड़ी विषम परिस्थिति में चुनाव हो रहा है। आप सब जानते हैं कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि जिनको जनता ने उस विचारधारा के लिए वोट दिया था, जिस विचारधारा को लेकर के जनता के बीच में गए थे, और उस समय इन्होंने भी कहा था कि माने वो विचारधारा की जरूरत है जिस विचारधारा ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में लेकर के इस देश को आज़ाद कराया, जिस विचारधारा ने इस देश के गरीब से गरीब के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा का वादा किया, जिस विचारधारा ने इस देश के गरीब से गरीब को संवैधानिक हक और अधिकार दिया, उस विचारधारा को लेकर के जो लोग गए और जनता ने उनको विश्वास दिया, चुने गए, जनप्रतिनिधि चुने गए, लेकिन आपने व्यक्तिगत लाभ के लिए चंद प्रलोभनों में उन विचारधाराओं के बहकावे में आ गए जिस विचारधारा ने कभी संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास नहीं किया, जो विचारधारा हमेशा आज़ादी की लड़ाई से लेकर के आज तक हमेशा जो सर्वहारा वर्ग के विरोध में रही है, गरीबों के विरोध में रही है, किसानों के विरोध में रही है, जो पूंजीपतियों का समर्थन करती रही है, ऐसी विचारधारा के बहकावे में आकर के जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा उनके कारण आज ये चुनाव की नौबत आई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अभी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। नमस्कार।